इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने मैकबुक के अंदर अगर हम ब्लूटूथ का यूज़ करने लग गए, ब्लूटूथ से किसी को डेटा ट्रांसफ़र करने लग गए तो वो कैसे कर सकते हैं इजीली वे में, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। तो देखिए, यहाँ पर वैसे तो बहुत सारे प्रोसेस है, आप यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं ट्रांसफ़र करने के लिए, बट यहाँ पर इजी वे में आपको मैं बताऊंगा, तो ध्यान से आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अब जैसे हमें जल्दी जल्दी में कोई डेटा ट्रांसफ़र करना है ब्लूटूथ से, तो यहाँ पर आपको सर्च करना है, ब्लूटूथ ही लिख दीजिएगा खाली, और यहाँ पर सबसे ऊपर इस वाले ऑप्शन पर ही जाना है आपको। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं ब्लूटूथ फाइल एक्सचेंज, तो इस पर आपको जाना है। बाकी अंदर से आपको सेटिंग्स करनी पड़ सकती है, बट यहाँ से आपको सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। इसे खोल लीजिए यहाँ से और डेटा आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे स्क्रीनशॉट हमें यहाँ पर ये भेजना है तो इस पर टिक कर दीजिए और सबसे नीचे यहाँ पर सेंड पर टिक कर दीजिए। जैसे आप इसे सेंड पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो डिवाइस है जो कनेक्टेड होगा वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जूमिंग प्रॉब्लम हो रही है बट ये आपको दिख जाएगा, यहाँ पर ये दिख गया यहाँ पर। तो और भी होंगे तो वो कनेक्टेड होने के लिए आ जाएंगे, थोड़ी देर में कनेक्ट करना पड़ेगा। अब जैसे इस पर टिक कर देते हैं हम और इसे सेंड पर क्लिक कर देते हैं, अब जैसे ही वो एक्सेप्ट कर लेगा तो यहाँ से ये डेटा जो होगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा। अब जैसे मैं इसको एक्सेप्ट कर लेता हूँ तो यहाँ से एक्सेप्ट होने के बाद सेंड होने लग जाएगा। तो ये प्रोसेस रहता है इसको सेंड करने का। अगर यहाँ पर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।